आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मौजूद जामशावली हनुमान मंदिर के बारे में, जो बेहद खास है। इस मंदिर की खास बात यह है कि हनुमान जी यहाँ विश्राम अवस्था में विराजमान है। ये जामशावली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए जान लेते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ मुख्य और रोचक बातें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। जी हाँ, इन्हीं याचनाओं के साथ लोग दिव्य धाम जामशावली हनुमान मंदिर में अर्चना लगाते हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति को सजोए रखना, तीर्थ स्थलों की महिमा को आम भाषा में हर घर तक पहुँचाना हमारा लक्ष्य है। इसीलिए हमारा यह प्रयास रहता है कि प्रत्येक दिन धर्म संस्कृति से जुड़ी अहम बातें आप तक लेकर आए। नमस्कार, मैं हूं रीना और आप देख रहे हैं हमारा यह खास कार्यक्रम धर्म संस्कृति। ये वो सच्चा दरबार है जहां सबकी बिगड़ी बनाते हैं राम भक्त हनुमान, सबके संकट हरते हैं संकट मोचन। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जामशावली गांव में विराजे हैं साक्षात हनुमान। इस मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा शयन मुद्रा में। भारत में शायद ही ऐसा कोई शहर या कस्बा हो जहां हनुमान जी का मंदिर मौजूद नहीं हो। श्री राम भक्त हनुमान को कलयुग का देवता भी कहा जाता है। मान्यता है कि वे आज भी धरती पर मौजूद हैं और जहां भी राम कथा का आयोजन होता है वे वहां पहुंच जाते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहां हनुमान जी विश्राम अवस्था में विराजमान हैं। ऐसा कहा जाता है कि सालों पहले यहां चोरी करने कुछ चोर आए थे। उन्हें पता चला कि इस प्रतिमा के नीचे काफी धन है। उस समय यह मूर्ति खड़ी अवस्था में थी। चोरों ने तब मूर्ति हटाने का प्रयास किया। इस दौरान सामग्री को चोरी से बचाने के लिए हनुमान जी की मूर्ति लेट गई, जिसके बाद इसे कोई भी हिला भी नहीं सका। ये मूर्ति करीब 15 फीट की है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में हनुमान यहाँ रुके भी थे। दरअसल लक्ष्मण जी के मूर्छित होने के बाद संजीवनी बूटी लाते समय हनुमान जी यहाँ कुछ समय के लिए रुके थे। इस मंदिर की खास बात यह भी है कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति से नाभि से जल निकलता है। भक्त इसे प्रसाद के रूप में लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसे पीने से चर्म रोग नहीं होते और दूसरे रोगों से भी छुटकारा मिलता है। यहाँ पहुँचते ही भूत प्रेत और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कष्टों से गुजर रहे कई भक्त यहाँ सवा महीने तक रुकते हैं और हनुमान जी की सेवा करते हैं। विशेष अनुष्ठानों में शामिल होने से भी अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अद्भुत श्री हनुमान मंदिर आस्था और विश्वास का केंद्र है, जहाँ सच्चे मन से आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जामशावली मंदिर के इतिहास में 100 साल पहले राजस्व अभिलेखों में महावीर हनुमान का उल्लेख पीपल के पेड़ के नीचे आया था। यह मंदिर नागपुर छिदवाड़ा रोड पर बजाज जॉइंट चेक से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो नागपुर से 66 किलोमीटर दूर है, जहां सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय गंतव्य है। हनुमान जयंती जैसे त्योहारों के दौरान लाखों लोग यहां आते हैं। वहीं हर वीकेंड पर भी भीड़ देखने को मिलती है। यहां आने वालों में शारीरिक दुर्बलताओं से चमत्कारिक इलाज की तलाश में भक्त भी शामिल है। जामशावली में चमत्कार पहली बार हुआ हो ऐसा नहीं है। यह वह स्थान है जहां कईयों की नया पार लगी है। मंदिर में स्थित हनुमान जी के समीप प्रांगण में मानसिक रोगी समेत कईयों की हाजिरी भी लगती है, जिसमें से हजारों लोगों को लाभ भी पहुंचा है। ऐसा मानना है कि यह वह स्थान है जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। लाखों लोगों की भक्तों और आस्था का यह केंद्र अपने चमत्कार से हमेशा चर्चा में रहता है। हम उम्मीद करते हैं आपको जामशावली मंदिर से जुड़ी जानकारी मिल गई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। आशा है आपको आज की हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अपने विचार बता सकते हैं। धर्म संस्कृति से जुड़े ऐसे कई और रोचक तथ्यों के लिए जुड़े रहें प्रदेश तक के साथ। दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट जानने के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट कर सकते हैं।